तो ये टॉपिक अगला रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन यूनिट 50 है। तो ये टॉपिक क्यों डाला गया? अभी हम बीच में बात कर रहे थे कौन से वाले कि भैया एक ने गलत काम कर लिया तो दूसरा जिम्मेदार है नहीं। तो इसमें कई डिफरेंट वेरियस एंगल्स से पॉइंट दिए हुए हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर। क्या लिखा हुआ? जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर। क्या बोला हुआ? द पार्टनर शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। एक बात आ गई, ठीक है, कोई चुपचाप ना कमा रहा हो। जैसे वो काम तो करा, रोजाना आता है 9 बजे, शाम को 5 बजे चले आता है, ठीक है, काम कर रहा जी बढ़िया। और वो जहां से रॉ मटेरियल खरीदता है वहां से पड़ोसी है उसका कि मैं तेरे से ही खरीदूंगा, शाम को कभी गिफ्ट विफ्ट देता रहता है, या उसका 1% बना हुआ है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप ऐसा नहीं करेगा। दूसरा क्या बोलता है? द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ईच अदर। ये तो बार बार हमने बोल दिया बिजनेस फर्म के ऊपर। अगला बोलता जनरल ड्यूटी में आता ना, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। द पार्टनर्स दे हैव टू जस्ट एंड, क्या बोला, दे हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। दे मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू ऑल द पार्टनर्स टू देयर रियल लीगल। ठीक है, आगे बोलता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। क्या मतलब है? कि जो फ्रॉड से जो है नुकसान होंगे उनको इंडेमनिफाई करना है। देखो इस केस को समझ लो, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू ए पार्टनरशिप बाय हिज फ्रॉड। यानी पार्टनर्स खुद अगर उस फर्म में फ्रॉड करते हैं तो वो लायबल होंगे। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे क्या बोलता है? इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल इफ ए पार्टनर कमिट्स, स्कूप नहीं पढ़ रहे हम, नरेशन नहीं पढ़ रहे, वो यही बात बता रहे। आगे जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। क्या बोलता? देखो, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म कैन डिसाइड देयर म्यूचुअल राइट। म्यूचुअल राइट से मतलब कि जो होगा हम कैसे कैसे उसको बांटेंगे, अपने आप खुद मिलकर तय करते हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटी को म्यूचुअल वो है, चेंज देम फ्रॉम टाइम, जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने बायलॉज में। द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबकी कंसेंट होनी उसमें जरूरी है। दिस मे बी इम्प्लाइड, अब देखो बात आ गई, दिस मे बी इम्प्लाइड यानी कि वो बिना कुछ कहे भी होना चाहिए, यानी खुद ही समझ में आ जाए कि हाँ जी इसका ऐसा होना है। और दूसरा बोलता है इम्प्लाइड के अलावा दूसरा क्या हो सकता है? इम्प्लाइड और देट मे बी, ठीक है। आगे, दिस शुड हाउएवर बी नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। और उसमें कोई भी जो काम करेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट के विरोध में, मतलब उसको कंट्रा ना करता हूं। तो ये कॉमन बात है। आगे देखो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, क्या बोलता है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। क्या क्या बोलता है? पहले, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सबको अधिकार है बिजनेस में शामिल होने का, हो या ना हो अलग बात है, बिजनेस। दूसरा क्या बोलता है? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कॉमन बात है। अगला, एनी डिफरेंस अराइजिंग ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस कैन बी डिसाइडेड बाई ए मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एंड एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन बिफोर द मैटर डिसाइडेड। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप जो डिस्प्यूट हो अपने आप ही वो डिसाइड कर सकते हैं और हर एक को अपनी बात कहने का उसमें राइट है। डी क्या है? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट। आप क्या बोला? कि जो भी आप बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बना रहे हो हर पार्टनर को उसे देखने का हक है, उस बैलेंस शीट को, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी। क्या होता है? अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब है? कि अगर वो अपने ही बिजनेस के सिलसिले में पार्टनर कहीं जा रहा है तो उसको अलग से क्या, अलग से क्या, अलग से भत्ता? नहीं, भत्ता अलग चीज है। रेमुनरेशन और भत्ते में क्या फर्क है? भत्ता तो बेसिकली एक्सपेंसेस हैं आपके, भाई आपको बोला जाए चेन्नई चले जाओ माल बेच के आ जाओ तो अपने खर्च थोड़े जाओगे। रेमुनरेशन तो काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग या सैलरी कह लो, आप सैलरी समझ लो, आपसे प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी, कोई इतनी शेयर होगी तो तुम मेरे को देंगे 2%। सैलरी नहीं मिलेगी उसको, मतलब नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा अगर वो
नियम बताया होगा भाई तुम अगर हमारे काम से बिजनेस के काम से जाओगे तो आप 5-star होटल में रह सकते हो तो मिलेगा। लेकिन रेमुनरेशन मींस देखो रिम्बर्समेंट और रेमुनरेशन फर्क है। रिम्बर्समेंट तो जो आप खर्च करते हैं उसका मिलता है, उसमें क्या फायदा? बिजनेस जो फायदा करेगा उसमें निकलेगा, मतलब अगर उसमें भी क्या होगा ना, प्रॉफिट मिलेगा। सैलरी के नाम पे कुछ नहीं क्या कि भैया मैं जो है पार्टनरशिप का काम करता हूँ तो मुझे हर महीने 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी? नहीं नहीं वो नहीं होगा। उनकी प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी? सिंपल होता है बाय वे ऑफ मनी पार्टनरशिप, तो उसमें तो सिंपल है जिसने जितना परसेंट लगाया उतना हो गया। लेकिन कोई काम भी कर रहा है तो उसका परसेंटेज काम बढ़ा देते हैं, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंपल बात। आगे देखो Where the partners are entitled to equally, but the partners are entitled to equally, वो इसलिए liable to contribute equally to the loss made. तो यानी कि जब उसको profit होगा तो उसको बांटने की भी हकदार और loss को भी बराबर मिलेगा। Partner is entitled to interest on the capital subscribed by him into only out of, अब देखो ये बात समझ लो, देखो सुनो, अभी बात कर रहे थे कि partner से पैसे लगा दिए, एक ने लगाए 10 लाख, एक ने लगाए 10 लाख, एक ने लगाए 5 लाख, फर्म लगा दी। अब उन्होंने कहा जो जो पार्टनर पैसे लगा रहा है उसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, यानी कि पार्टनरशिप को फर्म को अपना पैसा जो लगा रखा है उसी पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जब उसको अपने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता तो क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से मिलेगा। अच्छा अगर वो ये तय करते हैं कि मिलेगा तो कहां से मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी। ऐसा नहीं हो सकता किसी कंपनी में आपने पैसा लगा दिया और कंपनी डूब रही है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा नहीं। किसके लिए ही है? पार्टनर्स के लिए, अदरवाइज के लिए नहीं है। कोई डिबेंचर खरीद रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए। ठीक है आगे देखो, इंटरेस्ट मैं लिख दिया, पहले ही लिख दिया था, कितना लिखा हुआ है 6%, कौन सा सी वाला हो गया, डी वाला, डी में लिखा हुआ ना, कितना होगा? अच्छा आगे बोलता है द फर्म है, अभी देखो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना, एक्स्ट्रा अमाउंट से मतलब देख लो इधर 10-10-5 इसको 5 इसको, इस 5 लाख पे इंटरेस्ट, इस 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 5 तो सब है और 3 लोगों ने 5-5 लगा दिए मान लिया, तो उसमें प्रॉफिट में तो 1/3 वैसे ही है। अगर आपको कहता नहीं पैसे को ज्यादा लगा रहा तो उसको इंटरेस्ट दोगे अगर तो 6%। ठीक है फिर आए क्या, द फर्म हैज टू इंडेमनिफाई पार्टनर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप मेड इन द क्या है लायबिलिटीज इनक्रूड बाय हम इन ऑर्डिनरी और द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड क्या बोलता हैज टू इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनक्रूड बाय हिम, यानी उसने जो कोई पेमेंट किए हैं या उसने कोई लायबिलिटी ले रखी है उसके लिए क्या बोला नीचे, द ऑर्डिनरी एंड द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द, किसके लिए ली हुई है, बिजनेस के लिए ली हुई है। दूसरा क्या बोलता है, डूइंग सच एन इमरजेंसी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका एक पार्टनर विदेश गया हुआ है और आज 10 लाख रुपए जरूरत है, तो उसने ब्रांच से रिक्वेस्ट करी भैया ओडी कर दो, टेम्प्रेरी ओडी दे दो, तो एक अलग से किया ना किया उसने, तो वो क्या है पूरा बिजनेस का ही काम है। लेकिन होना क्या चाहिए, सही काम के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। आगे क्या बोलता, सिमिलरली पार्टनर हैज टू आइडेंटिफाई द फर्म एंड एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलिंग नेग्लेक्ट, हाँ जान बुझ के क्या अगर रात को लाइट को छोड़ दिया और आगे लग गई तो विलिंगफुल हुआ है, ठीक है वो अगर ये साबित करते नहीं गलती से हो गया तो बच जाएगा, लेकिन अगर वो कहे हाँ जी मैं कल लाइट छोड़ खोल के चला गया था या इंटेंशन मेलाफाइट पता लग जाए तो उस केस में उसको लायबिलिटी होगी। आगे प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी किसकी होगी भैया, किसके नाम खरीदी जाएगी देख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म ऑल प्रॉपर्टी राइट और प्रॉपर्टी ओरिजिनल बॉट फॉर द फर्म लेटर ऑन एक्वायर्ड बाय द फर्म द पर्पस ऑफ बिजनेस इंक्लूड ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉपर्टी क्या है कि फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, कोई चीज उसने आज ली या फ्यूचर में एक्वायर करेगा, इवन जो गुडविल है
वो भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम कंपनी का। आगे क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फंड्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज डीम्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस एग्जाम्पल से द पार्टनर हैज डिसाइडेड टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम ए पार्टनरशिप फंड, तो इसका मतलब वो उसका अकेले मालिक नहीं होगा, और वो अगर उसका सिंगल नेम पे रजिस्ट्री कराता है तो वो गलत काम है। पार्टनरशिप फर्म की हर प्रॉपर्टी, जैसे हम अगर बात करें, हम फर्म हैं, अगर हमें टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो उसके लिए एक डिवाइस लाए 6,000 की, तो हम फर्म के नाम ही बिल कटवाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या था कि प्रॉपर्टरशिप है तो हम फर्म के नाम कटाएं, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है तो राम सिंह के नाम नहीं कटाएगा, नहीं राम सिंह कल को उठा के ले आएगा डब्बा। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, एक्वायर की जाएगी, वो किसके नाम पे की जाएगी, फर्म के नाम। फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? हाँ, बहुत। फर्म तो कोई परपेचुअल व्यवस्था नहीं है ना, उसका जब डिस्पोजल होगा, बेची जाएगी, तो वही पार्टनर खड़े होंगे। फर्म के नाम पे अगर प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो वही। अच्छा, कंपनी के नाम पे क्या है, कंपनी भी तो बंद होती है, तो क्या सब मकान दुकान सब सरकार का हो जाएगा? जो शेयर होल्डर सब उनको मिलेगा भाई, लिक्विडेशन पे उनको मिलेगा। ठीक है, आगे आगे नीचे इसको समझ गए ना, नीचे आ जाओ। प्रॉपर्टीज प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अगर होता है फर्म को तो होगा, जैसा जैसा उनका तय हुआ है उस हिसाब से वो बटेगा। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करूंगा ना। एक तो पहला क्या है, सारे काम म्यूचुअल करेंगे। दूसरे में क्या है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स्ड टर्म कंटिन्यू कैरी ऑन बिजनेस द म्यूचुअल राइट। वो जो हमने पहले बताई थी, तीन तरह की फर्म बताई थी कि अगर उसका टाइम पूरा हो गया तो आगे का पढ़ सकते हैं, जब वो तीनों लोग क्या करेंगे वो करेंगे। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज रिमेन सेम फॉर द एडिशनल अंडरटेकन एडवेंचर। अब देखो, अगर वो क्या करते हैं, कोई एडिशनल अंडरटेकिंग एडवेंचर को शुरू करते हैं, उसी तीनों पार्टनरशिप क्या करा, जैसे हम हैं, हम भी कोचिंग करा रहे हैं, कल को हम फोटो शेयर करने लग जाए, तो वो शेयरिंग उनकी उसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे, ऑन द मैटर स्टेटेड अबव द पार्टनर्स आर फ्री टू हैव अंडरस्टैंडिंग अदर देन द मैनर ऑफ स्टेटेड अबव, हाउएवर इफ दे हैव नो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस फर्म द अबव अप्लाइज टू देम। ठीक है, सिंपल बात हो गई। तो ये हमारा क्या पूरा हुआ, पार्टनरशिप के जो राइट हैं, उनके म्यूचुअल राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी और प्रॉफिट शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में खासकर से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर क्या होता है, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट क्या कर रही हो, प्रॉफिट अर्न। क्या सोचते मेरे ख्याल से बैंक रेट टाइप का एक टेंटेटिव रखा हुआ, हो सकता है कहीं आने वाले समय में चेंज वगैरह भी हो जाए। ठीक है,